नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे देसी कुरुक मुर्गी की, इसे ब्रूडी हेन भी बोलते हैं। जिन किसान भाइयों को अपने घर पर ही मुर्गी के नीचे अंडे रखकर चूजे निकालना है, उनके लिए यह वीडियो फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि अपने घर पे ही अपने आसपास जो मुर्गियाँ रहती है उनमें कुरुक मुर्गी जो है वह कैसी पहचानी जाए। इसकी पहचान एकदम ईजी है। आप अपने आसपास की जो मुर्गियाँ हैं उनमें यह देखें कि कौन सी मुर्गी एक जगह पर बैठ रही है, क्योंकि कुरुक मुर्गी जो है वह कंटिन्यूअसली अंधेरे में बैठती है और 24 आवर्स वो एक ही जगह पे बैठी रहती है। खाली थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे दाना खाना है, पानी पीना है, ऐसे समय के लिए 10-15 मिनट के लिए वो अपनी जगह से उठती है। तो यह पहला लक्षण है। उसी तरह दूसरा लक्षण यह है कि आप अगर देखेंगे कि गर्दन के नीचे के जो पंख है वह भी उसके निकले हुए रहते हैं, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। एक बार हम कुरुक मुर्गी पहचान लेते हैं तो उसके बाद इम्पोर्टेंट बात रहती है कि हमारे पास एग होने जरूरी है, वो भी फर्टाइल एग। बहुत बार किसान भाई हमारे पास जो बचे कुचे एग रहते हैं वो मुर्गी के नीचे रखने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें यह देखना है कि फर्टाइल एग होने जरूरी है, तो ही उससे चूजा निकलेगा। अगर एग फर्टाइल नहीं है तो उससे चूजा नहीं निकलेगा। और हमें एक बार कुरुक मुर्गी मिल गई तो उसके नीचे हमें 10 से 15 एग रखने हैं, अंडे रखने हैं। और यह क्वांटिटी बहुत बार किसान 20-25 भी अंडे जो है मुर्गी के नीचे रख देते हैं, तो इस तरह से जो बचे अंडे हैं वो उसमें से चूजे निकल नहीं पाते। तो कम से कम 10 से 15 तक ही सीमित अंडे हमें एक मुर्गी के नीचे रखने हैं, तो ही उससे अच्छे चूजे, ज़्यादा से ज़्यादा चूजे जो है निकल पाएंगे। और कुरुक मुर्गी को हम जब बिठाते हैं तो जगह सेलेक्ट करते समय हमें यह देखना है कि उसे ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ पे अंधेरा हो और वहाँ पे ज़्यादा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर मुर्गी अंडों पर बैठेगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा अंडों से चूजे निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखकर अगर हम कुरुक मुर्गी के नीचे अगर अंडे रखते हैं तो उसमें से 100% चूजे निकलने की गारंटी रहती है। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही चूजे निकाल पाएंगे। चूजे निकलने के बाद आपको उनका वैक्सीनेशन प्रॉपरली करना है ताकि वो चूजों की मॉर्टेलिटी न हो। धन्यवाद।